मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास तथा जयपुर में सीपेट पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण समारोह में समय निकालकर राजस्थान की जनता को ये महत्वपूर्ण तोहफा दिया, उसके लिए मैं उनको राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों को अफोर्डेबल शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर जयपुर में सीपेट के नए पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे, नए विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और राजस्थान में पेट्रोलिंग और प्लास्टिक के क्षेत्र में एक नया कार्य मिलेगा। मेरा मानना है कि यह कदम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण का जो सपना है वो पूरा होगा और भारत विकास और प्रगति के मार्ग पर इसी ओर चलेगा। मैं इस मौके पर सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज राजस्थान के अंदर और देश के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक मजबूत कदम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर कोरोना के बाद हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया है और आज देश चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। आने वाले समय में इन 4 मेडिकल कॉलेज का लाभ भी राजस्थान के दूर दराज जनता को मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद।